हाय एवरीवन, डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग चल रही है उसके साथ ही साथ मैंने जैसे नोटिस डाली थी आप सभी के लिए कि जहाँ जहाँ के स्टेट्स की आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलते जाए प्लीज़ मेरे साथ शेयर करते रहिए ताकि बाकी सभी लोगों को भी मैं उसके लिए बतला सकूँ। तो खासकर जो ऑल इंडिया कोटा वाली जो सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उसके लिए बाकी लोग को पता थोड़ा सा चल पाए। तो उसी के संबंध में एक और बच्चे ने मुझे बताया कि गुजरात कॉलेज के नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर मैं आपको लास्ट में साइट विजिट भी करा दूंगा कि कौन से साइट से जाकर आपको बाकी चीज़ें करनी हैं। और ये जो पूरा नोटिस है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर ले रहिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है किसके किसके लिए काउंसलिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट सीट्स, मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई सीट्स, ठीक है, ये तीन चीज के लिए काउंसलिंग हो रही है। इंक्लूडिंग इसमें क्या इंक्लूडेड है, 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, मतलब जो सार भाग में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ की जो 15% सीट है उसके लिए भी काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है। इन गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, ये पूरा डिटेल इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपको अच्छे से ध्यान रखने, देखिए क्या क्या लिखा है। ऑनलाइन पिन परचेस फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द एडमिशन कमिटी, तो यहाँ से पहले आपको एक पिन परचेस करना, ये कुछ होगा, चलिए देखेंगे उसको साइट पर हम लोग। कब से है, 6 तारीख, मतलब आज से चालू है 10 बजे से ही, कब तक चलेगी, 8/10/2023 तक, 8 अक्टूबर के दोपहर में 3 बजे तक ये काम चलेगा। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, 6 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा वो, और 8 तारीख को शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब पहले पिन जनरेट करना है, तो उसका लास्ट टाइम जो दिया गया है 8 अक्टूबर को दोपहर के 3 बजे तक ही पिन जनरेट कर पाएंगे, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो आप 8 तारीख को ही शाम के 5 बजे तक कर पाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट हेल्प सेंटर, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और हेल्प सेंटर्स पर उसकी एक फोटोकॉपी सबमिट करना, मतलब ऑफिस, मतलब फिजिकली आपको जाकर वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या टाइम दिया गया है, 6 तारीख, मतलब आज से स्टार्ट है, 9 अक्टूबर तक का शाम के 4 बजे तक का समय आपको इसके लिए दिया गया है। आगे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल एज पर AIA PGT 2023 एज वेल एज आयुष मिनिस्ट्री, ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए, कि ऐसा मत सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज है तो किसी भी से भी एडमिशन आप ले लेंगे। जो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि जनरल के लिए 50%, कैटेगरी के लिए 40-45 ऐसा वाला, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा, ये आप जान लीजिए। अभी तक कट ऑफ रिड्यूस करने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अगर कोई आपको एडमिशन दे, नंबर बहुत कम है, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए कि आपके साथ धोखा होने रहा है फिर वहाँ पे। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज ऑफ गुजरात आयुर्वेद गुजरात स्टेट, फिर एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा इंक्लूडिंग 10% मैनेजमेंट कोटा, इन सभी में 10% मैनेजमेंट कोटा भी होगा कहीं पे प्राइवेट कॉलेजेस में, उसके लिए भी इसी से काउंसलिंग होने वाली है। एज वेल एज 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स, और 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं वहाँ पे भी एडमिशन होना है, और ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए कोई भी डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, भले ही आप गुजरात स्टेट के ना हो। फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल ओनली फॉर 50%, देखिए लिखा है क्लियरली 15% के लिए ऑल ओवर इंडिया से आप एलिजिबल हैं। आगे लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिन कैन बी परचेस्ड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹2000, तो 2000 रुपये का जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये ऑनलाइन आपको पे करना है। कहाँ पे करना है, नीचे ब्लू कलर में साइट लिखी है, वो साइट अभी मैं आपको दिखलाने ले चलूँगा, medadmgujarat.org करके साइट है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, पिन जनरेट करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हेल्प सेंटर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फोटोकॉपी जो मांगा है, तब आपका पूरा रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एट द हेल्प सेंटर विल बी क्लोज्ड ऑन संडे एंड अदर पब्लिक हॉलीडेज, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हेल्प सेंटर्स रहेंगे वो संडे या फिर हॉलीडेज अगर आ गया तो खुले नहीं रहेंगे, बंद रहेंगे, उसका ध्यान रखिएगा। चलिए साइट पे चलते हैं, अब ये जो ब्लू कलर में लिखा है इस साइट को खोलते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, गूगल में आएंगे, वो साइट मैंने अभी खोला था तो देखते हैं, ऊपर ही दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसको अपन लिंक को क्लिक कर लेते हैं। साइट मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे दिखेगा medadmgujarat.org, इसको हम क्लिक कर लेंगे, तो गुजरात की जो वेबसाइट है वो ऐसे आपको दिखलाई पड़ेगी। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन करके यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला सेक्शन में, यहाँ पे ये होम्योपैथी आयुर्वेद करके लिखा है, इसको अपने को क्लिक करना है, तो इसको हम कर लेते हैं क्लिक।
तो जैसे ही इसको अपन क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने खुलेगी। क्या क्या बातें हैं आप चाहे खुद से देख सकते हैं, क्विकली मैं बतला देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको, लॉगिन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एंड होम्योपैथी एडमिशन करके यहाँ पे लिखा है। इधर साइड पे, इस साइड पे लिखा है इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए होगा कि इंस्टीट्यूट वाइज पोस्ट ग्रेजुएट MDMS आयुर्वेद सब्जेक्ट इनटेक एंड फीस, तो पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, कहाँ पे क्या फीस है, यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे ही होम्योपैथी वाले बच्चों के लिए नीचे लिखा हुआ है। एडमिशन कैसे करना है, तो द कैंडिडेट हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप टिल डेट हैव टू अपलोड प्रोविजनल इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट स्पेशली मैंशनिंग देयर इंटर्नशिप कम्प्लीशन डेट। तो आपको एक प्री वाला एक डेट सबमिट करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन जिसमें बना रहेगा कि 31 अक्टूबर के पहले आपका जमा हो रहा है, मतलब इंटर्नशिप कम्प्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखा है, पिन परचेस प्रोसीजर यहाँ लिखा है, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर लिखा है, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एडमिशन, फिर इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स, तो क्या क्या हेल्प सेंटर्स हैं वो पूरा लोकेशन लिखा है, आप देख लीजिएगा डिटेल जाकर। अथॉरिटी लेटर क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे वो यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा है इंटर्नशिप कंप्लीशन के बारे में, और काउंसलिंग शेड्यूल पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको जाकर देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। गुजरात स्टेट की जो नोटिस आप लोग को जाननी थी उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, साइड भी हम देख लिए। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।